ভাগাভুরি দাগত তেই ভাগাভুরি দাগত ঝগড়ো উস গর তেই ঝগড়ো ঝগড়ো উস গর তেই সেই ছাতে ভাগাভুরি দাগত চলাও উস জরা তেজ সে আগ লাগাও উসকে অন্দর जकड़ो उसको और तेज जकड़ो उसको और पैरों के भी और क्या कर रहा था जान लेना है चारों में अच्छा और क्या क्या तकलीफ दे रहा था तू उसको और क्या कर रहा था अच्छा जादू चलाते टाइम में बच्चे का क्या तो भी लग गए थे बाला कपड़ा मट्टी पर क्या लिए थे हाँ क्या लेके गए थे जादू करते टाइम में बच्चे का कपड़ा कौन सा शर्ट का पैंट का शर्ट का कौन से कलर का था हाँ सफेद पीला लाल नीला काला उदा हरा कौन सा हाँ कौन सा कलर था वो उदा अच्छा कितना टाइम हो रहा चुरा के कपड़ा हाँ कितना टाइम होगा और मारने लगा हूँ जल्दी सवाल का जवाब हाँ छह महीने एक महीना दो महीना दस महीने दस दिन बारह दिन कितने दिन हो रहा कपड़ा चुरा कर हाँ कितना वक्त तीन साल हो गए अच्छा वो बच्चे के ससुराल की तरफ के थे माँ की तरफ के थे मायके की तरफ के थे किधर के थे जादू करने वाले किधर के थे किधर से बढ़ो जादू करने वाले किधर के थे चल दे इसके बच्चे के मायके के तरफ के थे इसके माँ के तरफ के थे इसके बाप के तरफ के थे रिश्तेदार क्या इसके दोस्तान थे क्या इसके ससुराल की शादी हुई क्या उसकी क्या इसके ससुराल की तरफ के थे किधर के थे किधर के लोग आते जादू करने वाले बीवी के दादी वाले अच्छा ये बच्चे के हाँ कौन थे दादी किसकी दादी मेरी बीवी की अच्छा काय में मिला खिलाई उन्होंने बच्चे को कहीं मिला खिलाई है इसको क्या नाम अजमेर अजमेर को कहीं मिला खिलाई उन्हें हाँ काय में अच्छा मियाँ बीबी के झगड़े करा के दोनों का तोड़ा देने पे कौन कर रहा था ये सब कुछ कर रहा था कराने लगा है क्या बोले थे वो लोग जान निकाल दो बोल के और दोनों मियाँ बीबी का संसार नहीं होना बोले थे और अच्छा इसकी जान लेने को कितना टाइम बचा था अभी कब मार देने वाला था और इसके घर में से किस किस को मारने वाले थे इसके बीबी को मार देने वाले थे नहीं नहीं अच्छा बच्चे की माँ को भाइयों को बहनों को किस को मारने वाले थे और दोनों भाइयों को अच्छा दूसरे भाई ने क्या बिगाड़ा था उसके सही बोल हाँ जल्दी में तो काट के भस्म कर दूंगा जल्दी चैपट बता रहा था क्या कर रहा था वो होशियारीपन बता रहा था अच्छा क्या कर रहा था होशियारीपन दड़े छोड़े का तरीका नहीं जैसे बात कर रहा था अच्छा किसको बात कर रहा था वैसा उन्हें अच्छा तो वो बदला लिया उन्होंने और ते को भेजे मार दे बोल के सबको अच्छा वो दूसरे भाई को कैसा मारने वाला था उसके एक्सीडेंट करके बीमारी डाल के क्या नल्डी दबा के अचानक रात में से कैसा उसका पहला कोशिश कर रहे थे क्या कर रहे थे उसका पेट के जरिए से पेट के जरिए से उसको मारना क्या होता जोर से वक्त सर्जरी हुई दो बार सर्जरी हुई सर्जरी हुई अपेंडिक्स बस्ट हो गई थी पता नहीं चला कौन से डॉक्टर चार दिन के बाद सर्जरी हुई चीर के साफ करके दो बार सर्जरी करे दो बार तुमने करे वो हमला उसको मारने के वास्ते क्या क्या कर रहे थे और वो बच्चे का क्या लिख गए थे
वो बच्चे का क्या लिए थे? हाँ, क्या नाम है? अफरोज का क्या लिए थे जादू चलाते वक्त? हाँ, जल्दी पूरा जला दूंगा। जबरो जबरो उसको और तेज़ सही। अच्छा, ये बच्चे को अजमेर को नींद क्यों नहीं आ रही है? कौन उड़ा दिया इसकी पूरी नींद? हाँ, जबरो उसको मारो, उसको नाला को जकड़ के तेज़ से मारो उसको और तेज़ सही। चल बोल, जल्दी जल्दी वो ना पूरा खत्म कर दूँगा। क्या कर दिया अजमेर को? इसकी औरत को मालूम इस पे जादू करे बोल के? वही चढ़ा के दे रही थी। और कौन मिला ले? जादूगर हिंदू का था, मुसलमान का था? कब्रस्तान से जादू करा, शमशान से करा? हाँ, हिंदू से। हिंदू है। कितने पैसे दिए थे उसको? कितने पैसे दिए थे? हाँ, कितने लाख दिए उसको जादू करने को? सही से बोल। हाँ बोल साईं, बोल कितने पैसे दिए थे? जाना ले रहे लोगों के, इतने सस्ते हो गए? जाना मारो उसको नाला एक बार। लगा तेरी ताकत पूरी, लगा और जोर से। चल, और दूसरी बात क्या बोलते? तो ये बच्चे को कहीं में मिला खिलाए, दोनों को कहीं में मिला कर खिलाए थे? अफरोज को, अजमेर को कहीं में मिला खिलाए थे? कौन सा खाना था वो? दवाई कहीं में डाले थे उनको? कहीं में? जोर से बोल। चिकन के साथ में। अच्छा, कहाँ खिलाए थे? इनके घर को? उनके घर को? कहाँ खिलाए थे? हाँ बोल। क्या पूछा मैं? जवाब। कहाँ खिलाए थे उसको? हाँ, चल नहीं पूरा खत्म कर दूंगा। हाँ, दादी घर में। अच्छा, और मगर चिकन खाने को? कब की बात है रे, वो कितना टाइम हो रहा है इनको खिला के? ईद मिलने के लिए गए जब। कौन सी ईद? रमजान? बकरी? बकरी। अच्छा, कितने साल भरे? 3.5 साल। कहते क्या रहेगी शादी के बाद? घुमा गया हमने तरह जब गए थे बकरीद के इतने टाइम पे। चिकन का सालन खाए थे वहाँ पे। और किस किस को खिलाया उनके घर में? दोनों अच्छे। चल बता, दोनों बच्चों को मारने को, इसको अजमेर को मारने को कितना डर बचा टाइम? जल्दी कितना टाइम बताना? अभी टाइम बहुत है। कितना? 1 महीना 2 महीने? नहीं, अच्छा, अभी गला गला के मारने वाले चिंदिया करके। और क्या पूछाने का? उसके अम्मा को क्या करे बच्चे के? नाम बोल। अफसरी। अफसरी बेगम को क्या करे? खिलाए? जादू करे? नहीं करे। हाँ, फिर कई कौन की तबीयत खराब रहेगी? दूसरे लोग आ करे उनको? अच्छा, उनको दूसरे करे? छुड़ाना चाह रहे वो क्या? छुड़ाना चाह रहे वो आओ, इसकी बीवी क्यों नहीं आ रही अजमेर की घर को वापिस? हाँ, तू नहीं अंदर आ? कौन सिखा रहा उन्हें आना बोल के वापिस बच्ची को? हाँ दादी, क्या बोल रही? क्या बोल रही हूँ? उनके पास ही ले जाके रख लेने का इरादा है। अच्छा, सुने नहीं? लगा बुरी ताकत और जोर से, और जोर से जकड़ लो उसको।
और इसी घर में से किस किस को मारने आ लिया और दोनों का तो फिक्स है और खाली दोनों का खाली दोनों को मारने आ बाकी दूसरों को नहीं जादूगर को कितने रुपए दिए थे कितना कितना अमाउंट दिए उसको जल्दी बोल कितने पैसे दिए उसको जादूगर को 30,000 और बाद में और कितने देते बोले उसको काम होने के बाद कितने देने वाले थे बाप के और कितने देने वाले 10,000 देते बोले कहाँ रहता जादूगर कौन से गांव में रहता वो कौन से गांव में रहता वो बोल जल्दी बोल कौन से गांव में रहता हो जादूगर जल्दी बोल उसका नाम और उसके गांव का नाम दोनों का हाँ जल्दी जलाओ उसको जलाओ 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 उसको जलाओ चल बोल कौन से गांव का है जादूगर और क्या नाम है इसका कौन से गांव का है क्या क्या पूछा मैं हाँ बोल इतना सवाल का जवाब दे छोड़ देता मैं देखो बोल जल्दी कहाँ रहता जादूगर क्या नाम है उसका कौन से गांव में रहता वो बोलता नहीं बोलता हाँ बोल रहा जल्दी बोल मेरे गुस्सा आना नहीं मेरे को गुस्सा आया तो पूरा भस्म कर दूंगा चल हाँ जल्दी बोल कौन से गांव का है जादूगर कौन से गांव का हैदराबाद का है वारंगल का है तेलंगाना का है कहाँ का है हैदराबाद का कौन से गांव का है अमेरिका का अमेरिका नामक गांव का कहाँ का जल्दी बोल फिर हाँ कहाँ का है बांग्लादेश का हाँ करीमनगर का हाँ वारंगल का अरे तो फिर कहाँ का है जल्दी बोलने पूरा खत्म कर दूंगा जल्दी हाजीपेट हाँ हाजीपेट हाजीपेट हिंदू है मुसलमान है हिंदू नाम क्या है क्या है नाम क्या नाम है क्या नाम है कुमरैया हाँ कुमरैया हाँ कुमरैया अच्छा ये बच्चे के हाथों में सुइयां कौन चुबा रहा और इसके हाथों में पाँव में अंधार कौन लगा रहा आग कौन लगा रहा हाँ शमशान में गुड़िया लगा रहे जादूगर लगा रहा क्या उसकी दादी लगा रही कौन लगा रही है हाँ दादी दादी अच्छा क्या पुतला बना के ली बच्चे का पुतले को कर रहे सुन लिए चलो इसको बंद कर डाल दो और इसको पूरा खत्म करने की तैयारी करो जकड़ लो कुत्ते इसे टमाटर कहाँ से आए तुम लोग इससे पहले उसके यहाँ पे आया नहीं इससे पहले लेके गए हम जोर से बोलो दरगाह को ले लेके गए कहीं भी लेके गए तो नो रिजल्ट हॉस्पिटल को भी लेके गए न्यूरो सर्जन के पास हॉस्पिटलों में भी कुछ भी पूरे रिपोर्ट्स नॉर्मल बोल के आ रहे कहीं भी उतारा भी कराए थे वहाँ पर तो भी कुछ भी नहीं वहाँ ऐसे डेली रात पूरी एक सेकंड के लिए नहीं सो रहे सुइयों से चुबा रहे जलन बोल के एक महीने से डेढ़ महीने से सुबह अभी तक जला रहे अम्मी और कितनी राउंड में हाजिर हुआ तुम्हारा कितनी बार आए तुम जोर से बोलो उधर एक ही बार पहली बार में होगा हाजिर जी सब होगा पहली बार में खुलासा जी ऐसा होता किस किस का पहली बार में होता किसका दूसरी बार किसका तीसरी बार सबके अलग अलग जादू टोने की दास्तान थी सबका अलग अलग तरीका था हालत पूरी रह जा रही इनकी काम थे ना जैसा कर ले को नहीं था जैसा करे क्या काम करता था बच्चा पहले इंडियन बैंक में थे बैंक में अटेंडर थे अटेंडर थे बैंक में इंडियन बैंक में अटेंडर क्या था अटेंडर अटेंडर थे वो ना वहां से फाइल आवे लेके आके देने का रहता सारन के हाथ के नीचे सारन के हाथ के नीचे
वहाँ से भी इनके नाना लड़के करके वहाँ से लड़ कर पूरा शादी स्थल से इनके पीछे छे लोग लड़ना दिन से लड़ना शुरू कर ये सोच के कर रहे की तुम्हारा नाम नहीं खुलेगा कभी ना कभी तो शय बला हाजिर होके बोलती और शय हो या बला हो या इंसान शैतान हो क्या इंसान हो दोनों की फितरत सेम है जब तक उनको मार नहीं पड़ती जब तक सही नहीं बोलते जब मार पड़ी कि फिर सही बोलना चालू कर देते और मार नहीं पड़ी तो झूठे बात करते अब उसको शैतान को मार पड़ी तो कैसे नाम बोल रहा हूँ फटाफट कौन भेजा क्या भेजा अब मैं तो मेरे मुंह से नहीं बोला और दूसरी बात क्या बोलते तो उन्होंने भी उनके मुंह से नहीं बोल रहे उसके आंग वाला है उन्हें बात कर रहा तुम लोग आए दूसरे जादू टोने कर रहे ये सोच के कर रहे बिल्ली दूध पी रही आंखें मुझके कोई देख रहा नहीं गलत बात है पूरी दुनिया में कभी ना कभी तुम्हारा नाम तो खुलने वाला है लन तीर को मीर भी रखे वाला दुनिया में गंदे अमल करने वाले तो हटाने वाले भी है दुनिया में लोग बैठे तुम जादू टोने करके मारने वाले तो मुद्दतों को तोड़ के राइट करने वाले भी है वो सब अल्लाह के कलाम में ताकत है तुम कितना भी कुछ भी कर लिए तो अल्लाह कलाम के आगे कोई जा नहीं सकता सिर्फ कलाम पढ़ने वाली जबान होना और सब लोग पांच टाइम की नमाज पढ़ना ज्यादा से ज्यादा इबादत करना कुरान पढ़ना क्योंकि तुम कम से कम एक रुकू पढ़ो दो रुकू पढ़ो एक पारा तुम्हें तुम्हारे से बोल नहीं सकता कि एक पारा पढ़ो एक पारा क्या पढ़ेंगे तुम के दो मिनट एक रुकू पढ़ना नहीं होता तुम्हारे कम से कम एक रुकू पढ़ो और पांच वक्त की नमाज की पाबंदी करो क्योंकि जादू टोना चल जाने के बाद तुम जादू टोना चलने के बाद नमाज पढ़ने जाएंगे कुरान पढ़ने जाएंगे तो शयातीन तुम्हारा नमाज और कुरान के करीब नहीं जानते थे अब कल हाफिज साहब आए थे कौन से मस्जिद के कौन से दोनों पर मुसल्ले पे खड़े रहा कि मेरे को चक्रा मार कुछ भी जो भी है एक्स वाई जेड तब उनके ऊपर चल गया जादू तो शैतान नहीं पढ़ने कर नमाज तो ऐसा रहता शैताना जादू टोना शैताना जादू टोना जो रहते उनकी खास बात रहती अगर वो लग जाएंगे वो चल जाएगा और बाद में तुम बोलेंगे हाँ अब जाइए हम इबादत को तो जब तुम्हारा जान नहीं देते इबादत हाँ उससे पहले से तुम अगर जाते रहेंगे कंटिन्यू तुम्हारा मुसलसिल माहौल है इबादत पांच टाइम की नमाज पढ़ने का कुरान पढ़ने का तो तुम पे जादू चलाने वाला जादू चलेगा मगर उसका जादू तुम्हारे पे कार नहीं करेगा अल्लाह तुम्हारे पे उसके जादू का असर नहीं होने देगा अब किसी ने खिला भी दिया तुम्हारा मिलाकर और तुम अगर दुआ पढ़ के खा लिए तुम थोड़ी दुआ उल्टे होंगे मोशन लगेंगे दवा निकल जाएंगे अगर वो दवा बहुत गलीज है तो मोशन में निकल जाएंगी संडासों में और वो दवा समझो थोड़ी अगर अच्छी भी किस्म की होगी तो भी उल्टे होंगे निकल जाएंगे सबसे अलग अलग दास्तान है और एक बात यह है कि सबसे अहम मैं उत्तर बोलूँगा कि इबादत ज्यादा से ज्यादा करो अल्लाह ने मोमिन के लिए हथियार रखे अल्लाह दुआएं बोले अल्लाह दुआ मोमिन का हथियार है कई को हथियार है ये ऐसी चीज़ों से हथियार है ये तुम्हारे घर बर्बाद कर देते जादू टोना करके तुम्हारे अपने लोग हमें तो अपनों ने लूटा वैसी दास्तान में जाती है और दूसरी बात क्या कि तुम्हारे अपने तुम्हारे को क्या बोलते ले जाकर डुबा देते काट देते तबाह बर्बाद कर देते इन सब से बचने के वास्ते शैतानों से इंसानों से शैतानी फितरत वाले इंसानों से शैतानों से बचने के लिए अल्लाह ने इबादत रखे दिए इबादत की रस्सी को अल्लाह और उसके रसूल की रस्सी को मजबूती से थामो कोई जादू टोने की तौकात नहीं जो तुम्हारे पे चलेंगे और हाँ अगर तुम नहीं मानेंगे हम जादू टोने को नहीं मानते हम वो शैतान भूत को नहीं मानते तो फिर तुमने क्या बोलते तो अल्लाह के कलाम को झुटला दिए वैसी बात पूरी क्योंकि अल्लाह के कलाम के अंदर खुद फरमा दिया अल्लाह ने कि जिन्नात और शैतान को हमने इबादत के लिए बनाए फिर अल्लाह फरमाता कि है जिन्नात और आए इंसान भागो तुम कहाँ तक भाग सकते भागो अल्लाह की रियासत छोड़ के चले जाओ तुम जहाँ पर भी जाओगे खुदा को ही सुल्तान पाओगे फिर उस बात में अल्लाह जादू टोने का भी जिक्र आता कुरान के अंदर सब तरफ पढ़ो तुम्हारा समझ में ये गलत बात है सहर जादू एक दूसरे के ऊपर चलाना बहुत 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 गलत बात है तुम एक दूसरों का के ऊपर चला रहे मगर ये नहीं सोच रहे कि अपनी आखिरत और अपनी दुनिया अपने हाथों से तबाह बर्बाद कर दे रहे तुम्हारी दुनिया तो जारी जारी तुम्हारी आखिरत भी चले जा रही तबाह और बर्बाद क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए जो जादूगर के पास जाता वो हम में से नहीं है जो जादू चलाता वो हम में से नहीं है और मैं उनकी शिफात भी नहीं करूंगा हश्र के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी 40 दिन की इबादत रद्द कर दी जाती जो जादूगर के पास जाता और जो जादू चलाता उसकी भी 40 दिन की इबादत रद्द कहेगी तुम्हारी इबादत कबूल होंगे कहेगी तुम अपने हाथों से तुम जन्नत तो गवा दे रहे और जहन्नुम के मुख्तार बन जा रहे तुम जहन्नुम का मुख्तार नामा लेके आ रहे तुम इतने पक्के डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे तुम्हारे जहन्नुम में जाने की जिसकी हद नहीं अपने हाथों से अपने वास्ते तुम वो कर रहे जब तुम आपको हश्र के दिन शफात नहीं मिलेंगी और कौशल का जाने फिर तुम कहाँ जाएंगे किसको बोलेंगे फिर बोलो तुम्हारे आमाल तुम्हारे अल्लाह किसी को जुलूम नहीं देता अल्लाह सबसे 70वां की मोहब्बत करता तुम्हारे आमाल तुम्हारे जो ये जो तुम आमाल कर रहे ना ये तुम्हारे आमाल तुम्हारे सजा दिलेंगे ये तुम्हारे आमाल तुम्हारे जहन्नुम में ले जाएंगे अल्लाह किसी पे जुलूम नहीं करता अल्लाह रहमान और रहीम है जब्बार और कहर भी अल्लाह कहर भी नाजिल करता मगर कब जालिमों के ऊपर आजाब में भी घेरता मगर कब जालिमों के ऊपर मगर उसका जब्बार और कहर उसका कब नाजिल होता जब तुम्हारे
अमाल हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं, तुम्हारे अमाल का पाप का घड़ा बढ़ जाता है, तो पुण्य आता जब उसका कहर ना चलता। याद रखो जादू टोना दुआ पानी से हट जाता और बीमारी दवा गोली से हट जाती, और जहाँ दवा और दुआ दोनों भी काम नहीं करे समझ जाना वो अल्लाह का आजाब है, क्योंकि अल्लाह के आजाब के सामने ना दवा काम करती ना फिर दुआ काम करती, सब दरवाजे बंद हो जाते थे वहाँ। इस वास्ते बचो ये सब बातों से, क्योंकि दुनिया तुम्हारे बाप की नहीं है, दुनिया अल्लाह की है। इस वास्ते बोलते हैं कि हदीस और कुरानों को समझ के पढ़ो, तुम हदीस और कुरान को समझ के पढ़ेंगे तो फिर तुमको पता चलेगा कि दुनिया कैसी है, कैसा जीना, क्या तरीक़ है, तुम्हारे अख्तियार क्या है, दूसरे के अख्तियार क्या है दुनिया में, सब तुमको बता दिया लाए। तुम हदीस और कुरान को मजाक में लिए वैसी बात कर रहे हो तो फिर तुम पीछे जाएंगे दुनिया में, क्योंकि तुम जादूगर के पास जा रहे हो तो मजाक में लिए वैसी बात ना, तुमको सब मना कर दिया है ना, सहर करने से, जादू एक दूसरे पे चलाने से, जादू टोनों के अमलों से, सब मना कर दिया है कुरान में। तुम उस वो बातों को लांद के तुम आगे जाएंगे तो फिर उसकी सजा भी तुम लोग दुनिया में भी और आखिरत में दोनों तरफ भी पाएंगे। बस मैं इतना बोलूँगा, सुनने से सबसे ज़्यादा अमल करो, हदीस से कुरान पढ़ो, एक रुकू क्यों ना था पढ़ो, पढ़ने नहीं आता तुम आपको ठीक है, कोई मसला नहीं, तुम सुनो, कम से कम सुनो तो भी सही। मोबाइलों में रिकॉर्डिंग ऐसे ऐसे ऐप्स है, कुरान इस्लाम 360 बल्कि ऐप्स है जिसके अंदर पूरे कुरान हदीस सारे तिर्मिज़ी बुखारी हर चीज़ उन्होंने डाल दिया जिसके अंदर, और भी ऐसे कौन कौन से ऐप्स है ढूंढ के निकालो, वो ऐप्सों के अंदर से तुमको आसानी से कुरान ट्रांसलेट के साथ पढ़ के सुनाते उसके अंदर, तुमको अरबी में पढ़ना है अरबी में पढ़ के जैसा बोले वैसा तुमको पढ़ाते उसके अंदर, सब सिखाते, सीखो, सीख नहीं सकते तो सुनो, सुन सुन के याद करो, सुनने से भी याद होता, और अमल करो, बस इतना बोलूँगा। इससे ज़्यादा तुम लोग आ जाने अरे आमाल जाने मैं क्या बोलूँगी, क्या हुआ था मियाँ, देखो इधर कोको ने पीछे बैठा था, कोको ने यहाँ सवाल जाओ बोल कुछ याद है, हाँ अभी मेरे साथ में सवाल जाओ बोल तो कुछ याद है, अभी यहाँ सवाल जवाब कुछ हुए तो याद है क्या, नहीं। तुम अंदर आए तो कितना याद है, तुम आपको अंदर आए याद है, उतर याद है, उधर देख के बोलो दुनिया देख रही तुम आप क्या मेरी तरफ, हाँ कितना याद है, अंदर याद से याद है, पहले अंदर वाला है, सामने बैठ गए मेरे को याद है, याद है, फिर उसके बाद याद कहाँ से आई, फिर उसके बाद कहाँ से भूल गए थे, जब पानी आंखों में लगा जब सब याद, जब पानी आंखों में लगा जब उसके बाद याद अब यहाँ से आया, बीच में सवाल जवाब चले हुए याद नहीं, कुछ भी नहीं जी, मतलब वीडियो में देख लो रिकॉर्डिंग हो गया, आता वो तुम्हारा था उसके अंदर क्या क्या है, कौन कौन करते क्या दास्तान है, मैं तो नहीं बोला वहाँ पे हाजिर होकर उसने सब बोल दिया, तुम्हारे भाई का ऑपरेशन हुआ क्या क्या करे वो ये सब उन्होंने बता दिया, कौन कराया क्या करा, जादू कौन कौन कर रहे वो उसमें सब रिकॉर्ड है, तुम्हारे आंग में कोई शय हाजिर हुई थी, शय ने सवाल जवाब करके चले गई बेटा, ठीक है। वो कौन है पीछे बढ़े भाई, वो कहाँ से आए, अच्छा इससे पहले कभी हाजिर हुआ उनके आंग पे, नहीं पहले क्या तकलीफ होती थी तुम्हारे, पहले एक महीना पहले बुखार आई जलन शुरू हुई थी 2 दिन के बाद, जब से कम हो रहा 2 महीने से शुरू हुआ, 3.5 साल पहले का वाकया है, क्या है क्या नहीं वो देखो रिकॉर्डिंग में मालूम होता तुम्हारा, बहुत चिकन के बिरयानी खा रहे, बहुत चिकन के सालाना खा रहे, खाओ अच्छी बात है, मैं नहीं बोल के मैं बोलता हूँ, मगर एक बात यह है कि दुआ पढ़ के खाओ, दुआ पढ़े बगैर खाएंगे तो दवाया फिर शैतान अंदर बैठेंगे अटक के, तुम दुआ पढ़े तो तुमने अपने आप को अल्लाह के हवाले सौंप दिए, और तुम जब अल्लाह के हवाले अपने आप को कर देंगे तो फिर किसी की मजाल नहीं है जादू टोने की शहर की जो तुम्हारे पे चल देगा, तुमने अपने आप को अल्लाह के अमान में देंगे तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम अल्लाह के अमान में नहीं देंगे शैतान के अमान में अपनी जिंदगी देंगे तो फिर ऐसा होता हीरो हीरोइनिया पिछड़ा टीवी सब याद हो रहा तुम आप गाने, इसका मतलब तुम अपनी जिंदगी उनके हवाले कर रहे तो फिर ऐसा आलम होता, चिकन के सालन खाओ बिरयानी खाओ अंदर पे ऐसे अटक के बलाएं बैठ के भी मारते तुम्हारी जिंदगी से बर्बाद कर देते, और तुम अगर अल्लाह के अमान में सोते और तुम दुआ पढ़ के खाते खाना कोई भी चीज तो फिर तो अल्लाह बोलता अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी लिया ना, फिर अल्लाह जब हिफाजत की जिम्मेदारी लेगा ना कोई शैतान ना कोई जादू टोना ना कोई दुनिया में ना आसमान में कोई ताकत है फिर तुम्हारा जहमत पहुंचा सकेंगे, क्योंकि निगेबान तुम्हारा फिर वो है जिसकी पूरी सांसों पे हुकूमत चलती है, हर चीज पे जानदार पे भी और बेजान पे भी हुकूमत चलती है अल्लाह की।
कमर मारने का कब दोस्त कौन से आए वरंगल कहाँ था वरंगल जी हैदराबाद तेलंगाना में आंध्रा में तेलंगाना ठीक है रघु खेळ राहणार इकडे तुम्ही इकडे लाय आई साई दर बोलतो ओ तुले का दे नाही का तुमको ला ना प्लेट ला ना देख रहा क्या जा अंदर से उधर कौन खाएगा बैठेगा जा आचार होना तो आचार दो लाओ वाटी इधर चार वाली ये आचार वाली है दूध दे जा फर्स्ट टाइम के था हम का अरे बकरी ना बंद कर बंद कर बोलने थोड़ा बोलने नहीं नहीं मैं देख रहा हूँ चलो यार आराम जाना है बोलने बोल दिया तुम्हारे खाने का और भाई चाय दो मेरा में चाय सबकी निकाल दीजिए मुंह पे बंधा है ना क्या है डॉक्टर साहब को बोलो ना अंदर जाके कहीं को निकालते है क्या है सब बोलते तुमको क्या है क्या है
है बॉस। Yellow.